सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। सो जो हमारा आज का टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है। सो आज हम बनाएंगे आईज, नोज और लिप्स। मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा बहुत ही इजी वे से। सो आई होप आप इसको बहुत ही ब्रीकी से समझो और आप अपनी ड्राइंग को और इम्प्रूव करो, है ना। सो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। आप पूरे ध्यान से इस वीडियो को देखो और सीखो। सो गाइस, जो मैं पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ वो लेड ग्रेफाइट है। जो सबसे पहले हमने करना क्या है, जो हमारी जो मेन लाइंस हैं उसको कॉन्सेंट्रेट करना है। जो हमारी सिंपल टेक्निक होती है, हमने टोन्स के ऊपर ध्यान देना है। अगर हम टोन्स के ऊपर ध्यान देंगे ना, ये शेडिंग है बहुत ही ईजी हो जाती है। डार्क एरिया है उनको हमने कॉन्सेंट्रेट करना है डार्क एरिया के ऊपर। आप रेफरेंस को भी देखो और गाइस बहुत ही पेशेंस से हमने काम करना होता है, तो हमारा काम वहीं बिगड़ता है जब हम पेशेंस से काम नहीं करते हैं ना। तो मेरे साथ तो बहुत होता था पहले जब मैं सीखता था तो भी हूँ। जब मैं शुरू शुरू में मैंने स्टार्ट किया था, मेरे साथ बहुत ऐसा कुछ होता था। देखो जब हम धीरे धीरे ना डार्क एरिया को कवर करते जाएंगे और साथ में टोन्स भी कवर करते जाएंगे, तो हमारा जो हमारी शेडिंग है और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो बाहर आने लग जाएगा, है ना। तो आप देखो ध्यान से, बहुत ही पेशेंस से काम करना होता है गाइस। एक ना जो हमारे अंदर एक डर सा नहीं होता कि मैं करूंगा तो गलत ना हो जाए, तो वो डर ना अपने जो मन से वो निकाल दो। क्योंकि जब हम ऐसा डर के काम करते हैं ना कि मैंने शुरू किया तो खराब हो जाएगा, तो होने दो। फिर क्या होगा, एक बार होएगा, दो बार होएगा खराब। तो इस चीज की आप चिंता मत किया करो खराब होएगा। क्योंकि मैं ही बहुत पहले चिंता करता था कि मैंने काम ठीक है, मानता हूँ कि दुख होता है, हमने इतनी मेहनत की होती है तो हमारा काम खराब हो जाता है, तो हमें ना बहुत दुख होता है उस चीज का। बट ये डर निकाल के अब हम कॉन्फिडेंस से काम करते हैं तो हमारा काम बहुत अच्छा होता है गाइस। तो इस चीज़ का डर आपने मन से निकाल दो। इसको मिक्स करने के लिए मैं जो ये हमारा ईयरबड होता है उसका यूज़ करूँगा। बहुत ही हल्के से इसको ना प्रेशर नहीं देना, अगर हम ज़्यादा प्रेशर देते हैं तो शीट जो होती है हमारी, शीट ख़राब होने का डर रहता है। तो हमने बहुत ही धीरे धीरे बहुत ही स्लो स्लो इसको मिक्स करना है। ठीक है, देखो आप मतलब कितना बढ़िया ये चीज बाहर आने लग जाती है। तो मैं तो आपको ऐसा बोलूंगा कि आप इसके लिए बहुत स्टडी करो, है ना। आप इंटरनेट से भी स्टडी करो इसके लिए बहुत ज्यादा, तो वो चीज आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगी। अब आप सिर्फ टाइम लेके देखो ना पूरी कंप्लीट।